चोरी और पश्चाताप। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक दिन एक मित्र ने मोहन से कहा, क्या तुम जानते हो अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों हैं? वो हम पर राज क्यों कर सकते हैं? नहीं तो मैं नहीं जानता। क्योंकि वो मांस खाते हैं। अगर हम भी उनकी तरह मांस खाना शुरू करें तो उनको अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम भी खाना शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। उसकी बातों पर मोहन को विश्वास हो गया, पर मोहन के घर में तो सभी शुद्ध शाकाहारी थे। उसने घर के बाहर मांस खाया। अपना ये राज उसने सबसे छुपा के रखा। ये सब छुपा के मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता। अब जिंदगी में मैं कभी मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। अंत में उसने जीवन में कभी मांस न खाने का निश्चय किया। दोस्तों ने मोहन को धूम्रपान करना भी सिखाया। उसके लिए उसे घर से पैसे चुराने पड़ते या उधार लेना पड़ता था। जब उधार बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसने अपने भाई का सोने का कड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना उधार चुकाया। इससे मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। लेकिन जल्द ही उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने फिर कभी चोरी न करने का निश्चय किया। मैंने चोरी की है, मैंने गुनाह किया है, मुझे पिताजी को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। मोहन ने एक कागज पर पत्र लिखकर अपने बीमार पिता के हाथों में रख दिया और अपने गुनाह को कबूल किया। पिता ने वो कागज पढ़ा और बिना कुछ बोले एक गहरी सांस लेकर उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सत्य की ताकत उसने देख ली। उस दिन से सत्य ही उसके जीवन का आधार बन गया।